नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 20 मार्च की रात 10 बजे से 22 मार्च की सुबह 6 बजे तक के लिए प्रदेश के 3 प्रमुख शहरों में लॉकडाउन कर दिया है। जबलपुर में रात 10 बजे से सभी दुकानें बंद होना शुरू हो गई थी। शहर के खास इलाकों में दुकानों को बंद कराने के लिए पुलिस प्रशासन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये जो लॉकडाउन आज से हुआ है, तो ये इसमें क्या मतलब किस तरीके से आप लोगों ने मतलब आज बंद कराया है? आज पीए सिस्टम से पूरे थाना क्षेत्र में हम लोगों ने अनाउंस करके और कल के लॉकडाउन के संबंध में सूचित किया है और नागरिकों से अनुरोध किया है कि वो अनावश्यक मार्केट में ना निकले और कल मार्केट भी बंद रहेगा, इसलिए अपने अपने घरों में रहें। इसे आज रात को 10 बजे से जो लॉकडाउन का चालू हो गया, लेकिन कई आप लोग मतलब आप पुलिस डिपार्टमेंट को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं बंद कराने में, कई लोग तो उसका पालन ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, सभी को समझाइश दी गई है, सभी पालन कर रहे हैं। तो देखिए, दुकानें 10 बजे बंद हो गई हैं जो आदेश है। खाने पीने की दुकानें 11:30 बजे तक खुली रहेंगे, तो वो भी टाइम से बंद हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को समझाइश दी जाती है, लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।